चाहूंगा कि हर आदमी और हर प्रोड्यूसर जानता है कि वो कहाँ कैपेबल है और उसको कहाँ से सहूलियत मिल सकती है, कहाँ से अच्छी सिनेमा मिल सकती है, कहाँ से अच्छी बातें हो सकती है। ऐसा नहीं कि किसी के नज़र में कोई चीज़ें नहीं है, तो हमें बताना कि हाँ आप ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं, हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं समझते। तो ये भी एक देखिए सबसे बड़ी कि ये जितने अच्छे कंपनी के मालिक हैं उतना ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं और उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। तो आप इसलिए मैं इनको इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि ये मुझे अपने बेटे की तरह अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, हर आदमी करता है, लेकिन इनका विशेष मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है कि नहीं मेरा भाई है वो। और मैं अपने जीवन की कोई भी काम करता हूँ तो बाकी किसी से पूछूँ या ना पूछूँ एक बार इनको कॉल करके ज़रूर मैं पूछता हूँ कि सर ये मैं कदम उठाने जा रहा हूँ क्या ये मेरे लिए कैपेबल है या नहीं है। कभी कभी इंटरव्यू में कभी कुछ बोल जाता हूँ उरे सुरे वो होता है ना, लेकिन मैं सही बोलता हूँ, सब गलत समझ लेता है हमको, तो वो चीज़ें होता है, ऐसा नहीं है जो नहीं होता है। लेकिन आप कंट्रोवर्सी में, ऐसा नहीं कि मैं कंट्रोवर्सी में आने के लिए सब बोलता हूँ भाई, मैं सच्चा आदमी हूँ, जो जुबान पे आता है वो बोल देता हूँ, मैं लिख के कुछ नहीं बोलता। अभी भी बोल रहा हूँ तो कौनो पाना होना नहीं है और ना ही स्क्रिप्टेड है। इन्होंने सवाल किया मैंने जवाब दी, तो जो अच्छा हो मैंने दी, अगर घुमा फिरा के और सोच समझ के जवाब देता तो उसके लिए टाइम लेता। हाँ और कैसे हो, अच्छा अच्छा, तो हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं कर पाता हूँ मैं, मेरी जुबान पे होती है, मैं बोलने की वजह से मेरा नाम खेसारी पड़ गया। तो इसके वजह से एक संघर्ष की तरफ हर आदमी जाए और अच्छी सिनेमा के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी अच्छी सिनेमा देखने का काम करें। अगर कोई भी आदमी, मैं ही हूँ क्यों ना हूँ, अगर बलग्रटी दिखाता है, बलग्रटी करता है सिनेमा, तो बिल्कुल अपना कर दीजिए, आप मत जाइए देखने, आप नहीं देखेंगे, हर आदमी को सबक मिल जाएगी। और हर आदमी देश की बातें तो करता है लेकिन देश के लिए कुछ करता नहीं, सिर्फ उसमें बलग्रटी भरता है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप प्लीज आप उस चीजों को समझिए और अपना काम करते रहिए और अच्छी सिनेमा को सपोर्ट करते रहिए।